नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जनपद फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो गाड़ियों सियाज व टाटा सफारी में हुई एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत, वही 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक सभी सियाज गाड़ी के है। वही राजेश कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय राम सेवक पांडे निवासी सेक्टर 112 नोएडा, इनकी पत्नी रीमा पांडे, इनका बेटा दीपक पांडे, वही ड्राइवर विनय यादव पुत्र दिनेश सिंह निवासी बनर्जी नगर बाईपास रोड जनपद मैनपुरी। वही बता दें कि घायलों की संख्या 6 है, जिसमें प्रशांत उम्र 47 वर्ष पुत्र केदारनाथ निवासी दिलशाद गार्डन दिल्ली, इनकी पत्नी ममता तिवारी उम्र 43 वर्ष, वही पुत्र प्रशस्त उम्र 8 वर्ष, पुत्री महक उम्र 20 वर्ष, दीपक पुत्र जशवंत पता उपरोक्त, वही विवेक उम्र 35 वर्ष पुत्र मोहनलाल निवासी कल्याणपुरी विकास नगर लखनऊ। शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। घायलों को उपचार इस वक्त चल रहा है, जिनकी हालत सामान्य है। अन्य विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। खास रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। थाना मटसेना के अंतर्गत जो हमारा आगरा एक्सप्रेस हाईवे है, उस पर एक सियाज जो मैनपुरी से, जिसके पहचान हुई है कि मैनपुरी के ड्राइवर हैं, और दूसरी तरफ में एक और दूसरी जो गाड़ी थी वो आ रही थी। ये सियाज गाड़ी में शायद जो नींद में झपकी आ गई, और ये जो ड्राइवर है उनके जो डिवाइडर है उस पर इसने खुदाई गाड़ी इस तरफ में, उसकी वजह से जो दूसरी गाड़ी थी सामने आने वाली उससे उसकी टक्कर हो गई। यहाँ पर अभी जो 3 लोग हैं जो सियाज में बैठे हुए थे, उनकी मौके पे ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई, और जो 7 लोग अन्य गाड़ी में थे उनको इमीडिएटली यहाँ पर बिस्पर में पहुँच के एम्बुलेंस के साथ में जिला अस्पताल पहुँचाया है, उनका इलाज किया जा रहा है। आगे यहाँ पर जो यातायात है सुचारू व्यवस्था उसको भी बनवाया जा रहा है, और कुल मिलाकर जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं।